कर चले हम फिदा जानो तन। जब दारोगा बनकर घर पहुंचा तो परिवार में खुशी छा गया, मान बढ़ाया और आज घर परिवार और समाज को सूना करे एक ऐसी जगह चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता था। हम बात कर रहे हैं शराबबंदी वाले प्रदेश बिहार की, जहां शराब तस्करी रोकने गए एसआई खामस चौधरी को शराब तस्करों ने गाड़ी से कुचल दिया और मौत की नींद सुला दी। घटना की जानकारी परिजन को मिली, इसके बाद मानो एक क्षण के लिए कानों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन हकीकत को आखिर कौन झुठला सकता है। घटना बेगूसराय में मंगलवार रात की है, जहां गुप्त सूचना पर खामस चौधरी शराब तस्करों को पकड़ने गए थे। शराब तस्करों ने उन्हें और एक अन्य होमगार्ड जवान को अपनी ऑल्टो गाड़ी से कुचला और रौंदते हुए भाग गया। बुधवार रात को हजारों लोगों की भीड़ के साथ खामस चौधरी के सब बेगूसराय से मधुबनी में उनके पैतृक गांव रहिका प्रखंड के मारण पहुंचा और सलामी देकर एक शहीद को पंचतत्व में विलीन होते देखा। शराब तस्करों द्वारा कुचले जाने के बाद शहीद एसआई खामस चौधरी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मधुबनी सहित शहीद खामस चौधरी के गांव मारण में गम का माहौल है और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खामस चौधरी कुल चार भाई थे, जिनमें खामस चौधरी से एक बड़े और दो छोटे थे। इनके चारे भाइयों के सर से पिता स्वर्गीय भोला चौधरी का साया काफी पहले 1980 में इनके बचपन में ही उठ गया। तब से बड़े भाई 60 वर्षीय उमेश चौधरी जो अकाउंटेंट है, उन्होंने सभी भाई को सहारा दिया। दूसरे भाई खुद सहित 50 वर्षीय खामस चौधरी है, जिन्होंने काफी संघर्ष करके पढ़ाई की और यहाँ तक का सफर तय किया। तीसरे 45 वर्षीय अशोक चौधरी टाइपिस्ट का प्राइवेट जॉब करके भरण पोषण कर रहे हैं, जबकि सबसे छोटे 42 वर्षीय संतोष चौधरी टीचर का जॉब करते हैं। खामस चौधरी अपने पीछे अपनी माँ, पत्नी और चार बच्चे छोड़ गए। सबसे बड़ा लड़का 14 वर्ष का, जबकि छोटी लड़की 6 वर्ष की है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि घटना काफी दुखद है, इसका इंसाफ मिलना चाहिए और प्रदेश में शराबबंदी को बंद करना चाहिए। इसको एक बड़ी प्रशासनिक चूक भी कहा जा सकता है, क्योंकि रात के 12 बजे ड्यूटी करने गए एक पुलिसकर्मी को ऑन ड्यूटी गाड़ी से कुचल दिया जाता है, ये एक चिंता का विषय भी है। वहीं रिश्ते में भतीजा संजय चौधरी का कहना है कि नीतीश की शराबबंदी पूरी तरह फेल है, इसमें शासन और प्रशासन के ऊपरी स्तर पर मिलीभगत है और इसका खामियाजा अपने काम के प्रति ईमानदार पुलिस पदाधिकारी एसआई खामस जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल शहीद खामस चौधरी अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, सरकार और प्रशासन को इस पर कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। की कहना चाहे हम कहे छी एसबीएस हमरा भाय मरल वही के सरकार के चक्कर में कि नहीं हो फिर दारू बंद करने जिला वो गले रोकेले वही के चक्कर में माने मरले सरकार के की फर्ज बने छे वो जे हमरा भाय के मार लगे ओकरा पकड़ो सरकार छानबीन कक तब बुझबे हम नीतीश सरकार छथिन। आई शराब के अहाँ की कहना चाहबे? हम कहबे से बंद हेबाक चाहिए बिहार में, नाम के लेल बंद छे। हाँ, नाम के लेल बंद छे, घरे घरे बिकाय छे, वही के चक्कर में हमारा भाय माने देखल के गाड़ी के तो गाड़ी में चक्कर हमारा भाय के कुचल दिलक गाड़ी से। नाम की भेल अरुण चौधरी। दारू माफिया के द्वारा कुचल दिया जाता है, बहुत बड़ी बात है और कम से कम इससे भी सरकार को समझना चाहिए कि अब भी कुछ न कुछ उनको कदम उठाना चाहिए दारू माफिया के खिलाफ। यहाँ तो प्रशासन गौन दिख रहा है, एकदम कुछ नहीं लग रहा है। जो पदाधिकारी जैसे मतलब आदमी को कुचल दिया जाता है, सरकार को इसको सरकार क्या कर रही है इसके पीछे, क्या उनको सख्त कदम उठाना चाहिए इसके पीछे। यहाँ कोई अधिकारी आए हैं? यहाँ कोई नहीं आया जी, अभी तो
कोई नहीं आए हैं, कोई मिलने नहीं आया है, हाल समाचार पूछने परिजन का? नहीं। आपके कौन थे भैया? थे ये मेरे बड़े भाई थे, हमसे बड़े थे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी हुआ। अच्छा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।